नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिजिक्स। देखिए, आज तारीख है 16 अगस्त 2022 और दिन के 11:30 बजे बिहार के नए मंत्रियों को शपथ लेनी है राजभवन में। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के नए मंत्रियों को शपथ लेनी है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह के 10 बज रहे हैं। रात को हमने आपको सूची बताई थी कौन कौन मंत्री शपथ ले रहे हैं। RJD के 16 मंत्रियों की लिस्ट हमने आपको बताई थी, लेकिन रात भर में खेला हुआ है। और खेला क्या हुआ है, दो विधायक जिनका मंत्री बनना तय था, सुबह उनका नाम कट गया। और इनमें एक बड़ा नाम है भाई वीरेंद्र का। तो भाई वीरेंद्र, जिन्होंने शपथ लेने की तैयारी कर ली थी, उनके पास पार्टी की ओर से खबर भी पहुंच गई थी। तो अभी अभी जानकारी मिल रही है कि भाई वीरेंद्र मंत्रियों की लिस्ट से ड्रॉप कर दिए गए हैं, मतलब वे शपथ नहीं लेने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भाई वीरेंद्र का पत्ता कटा। पटना से रामानंद यादव फतुहा के जो विधायक हैं, वे शपथ लेंगे। सुरेंद्र यादव शपथ ले रहे हैं बेलागंज के, ललित यादव ले रहे हैं, चंद्रशेखर ले रहे हैं बरेपुरा के। तो भाई वीरेंद्र का नाम कट गया है। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, अख्तरुल शाहीन जो समस्तीपुर के, उनका भी नाम कट गया है। उनका भी नाम मंत्रियों की सूची में था और कहा जा रहा है कि उनके बदले एक नया नाम जोड़ा गया है, जिसकी जानकारी आपको हम थोड़ी ही देर में देंगे। तो देखिए, हलचल बढ़ी हुई है। उन मंत्रियों के पास जानकारी पहुंच चुकी है जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। कल रात से लेकर सुबह तक स्वयं तेजस्वी यादव ने RJD के खाते के मंत्रियों को खबर दी। इसके बाद राजभवन से भी बारन पहुंच गया है कि आपको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आना है। तो देखिए, अब हलचल बढ़ी हुई है। देखिए, राजभवन के पास हमारे रिपोर्टर आलोक, उत्कर्ष, अनुकूल सभी मौजूद हैं और वो वहां से आपको हर खबर बताएंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कि अब राजभवन में शपथ लेने की तैयारी चल रही है। वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रोहित भी हमारे रिपोर्टर पहुँच चुके हैं और आलोक ने सुबह से कई मंत्रियों से मुलाकात की है जिन्हें मंत्री बनना है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अंतिम समय में भाई वीरेंद्र और अख्तरुल शाहीन का पत्ता कट गया है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर सबसे पहले आपको लाइव सिटी बता रहा है कि अख्तरुल शाहीन और भाई वीरेंद्र का पत्ता कट गया है, उनकी जगह किसे नया मंत्री बनाया जा रहा है, यह खबर भी आपको हम थोड़ी में बताएंगे। तो राजभवन की ओर हमारा ध्यान रहेगा। देखिए, खबर यह आ रही है कि वहां जो मंत्रियों की शपथ होगी, एक साथ कई कई मंत्री शपथ लेंगे। राजभवन में तैयारी कर ली गई है। राजभवन में देखिए, अब जो मंत्री बनने वाले हैं वे तेजस्वी यादव के यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तो भाई वीरेंद्र और अख्तरुल इस्लाम शाहीन का नाम कट गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे, पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।